हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा। दोस्तों फाइनली आज 2.0 रिलीज हो चुकी है, जिस मूवी का रजनीकांत के फैंस, अक्षय कुमार के फैंस और स्पेशली पूरे देशवासी बहुत उम्मीदों से वेट कर रहे थे, बिकॉज रोबोट ने एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। अब 2.0 आने के बाद डेफिनेटली सब लोगों में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि किस लेवल की ये फिल्म होगी। तो डेफिनेटली मैं बता देना चाहती हूँ कि ये एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित पक्का होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का कमाल का VFX इस फिल्म में यूज़ किया गया है। अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ दोस्तों, तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो जाता है मूवी में। यही एक नेगेटिव पॉइंट मुझे पूरी फिल्म में नजर आया, जहां पे पूरी फिल्म जो है वो काफी स्लो मोशन में जाती हुई नजर आ रही है। जहां पर टॉपिक, जैसे कि ट्रेलर में भी एस्टैब्लिश हो चुका था कि टॉपिक ये है कि बर्ड्स को रेडिएशन से हार्म होता है, सेलफोन से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये जो बेस है मूवी का ये काफी जल्दी क्रिएट किया जा चुका था। लेकिन फिर भी इस चीज को बहुत ओवर एग्जैजरेट किया गया, बहुत टाइम तक इस चीज को खींचा गया, और जैसे ही ये एस्टैब्लिश होता है उसके बाद इंटरवल हो जाता है। तो यानी इंटरवल तक मूवी आपको काफी स्लो लगेगी लेकिन बोरिंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हाँ, अगर मैं कॉमेडी की बात करूं, डेफिनेटली कॉमेडी नहीं है। जिस तरीके से रोबोट फिल्म में ऑफकोर्स कॉमेडी थी, ऐश्वर्या राय थी कहीं ना कहीं, लेकिन इस फिल्म में वैसा कुछ नहीं मिलेगा। कॉमेडी बहुत ना के बराबर है, रादर है ही नहीं कॉमेडी। लेकिन हाँ, अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ, तो जिस तरह का VFX मूवी में यूज किया गया है, इट्स माइंड ब्लोइंग। द ग्राफिक टीम, द एडिटिंग टीम, द VFX टीम, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर। सेकेंड हाफ में डेफिनेटली अक्षय कुमार की एंट्री होती है। फर्स्ट हाफ में आपको अक्षय कुमार की एंट्री देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सेकेंड हाफ जैसे ही आता है वैसे ही अक्षय कुमार की एंट्री होती है। एंड अक्षय ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, हालांकि उनका उतना मेजर रोल नहीं है, मेजर रोल मैं इसलिए भी कह रही हूँ, आई वोंट लाइक टू रिवील इट, बट मेजर रोल इसलिए भी नहीं है, बिकॉज जो काम है 90% काम फिल्म में जो है वो एडिटिंग और VFX का है, ग्राफिक्स टीम का है, बल्कि एक्टर्स का खुद नहीं है। हालांकि एक्सप्रेशंस देने की अगर मैं बात करूँ, अक्षय ने बीइंग अ विलन जिस तरह का पोर्ट्रे किया है, जिस तरह का लार्जर देन लाइफ विलन उन्होंने पोर्ट्रे किया है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लग रहा है। और रजनीकांत तो एनी विच वे इज ग्रेट है, बिकॉज ही इज द तलाइवा। एंड रजनीकांत की एक्टिंग वाइज और स्क्रिप्ट वाइज एवरीथिंग वॉज गुड। बट अगर मैं डायलॉग्स की बात करूँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डायलॉग्स जो है वो थोड़े से फीके पड़ गए मूवी के कंपैरिजन में। या तो ये डबिंग का भी वर्जन हो सकता है, बिकॉज ओरिजिनली मूवी जो है वो तमिल में शूट की गई है। लेकिन सब चीज़ों को अगर मैं देखकर बात करूँ, तो मुझे मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कुछ क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि मूवी जो है वो थोड़ी सी स्लो है, तो येस आई अग्री मूवी स्लो है, लेकिन आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे। और सेकेंड हाफ में जिस तरह का धूम धड़ाका आपको देखने को मिलेगा, जिस लेवल की फाइट, यानी तलाइवा वर्सेस मिस्टर खिलाड़ी, यस अक्षय कुमार वर्सेस रजनीकांत, जिस तरह की मेजर फाइट आपको देखने को मिलेगी, वो वाकई काबिले तारीफ होगी। तो जिस तरह की लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस आपको इस मूवी में करने को मिलेगा, ये डेफिनेटली हॉलीवुड लेवल का मैं बोलना चाहूँगी कि इसके जो VFX हैं। और अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूँ, एमी जैक्सन की बात करूँ, तो छोटा रोल है उनका, इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कन्विक्शन से अपने रोल को जस्टिफाई किया है। अगर मैं गानों की बात करूँ, तो दोस्तों पूरी फिल्म में, जी हाँ, पूरी फिल्म में आपको एक भी सॉन्ग नहीं देखने को मिलेगा। पूरी फिल्म सिर्फ स्टोरी के बेसिस पर चल रही है, कहीं पे भी गाने का कोई नामो निशान नहीं है। तो उस वे में कहीं आप अगर गाने एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी में, तो गाने एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाइए, गानों की एक्सपेक्टेशंस। तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा पूरी मूवी का, जो कि मूवी थोड़ी सी स्लो लगी मुझे और डायलॉग्स वाइज थोड़ी सी वीक लगी। अदरवाइज आई वुड गिव रोबोट 2.0 अ 4 स्टार। और एक और बात, एक और स्पेशल अपेयरेंस है इस फिल्म में, वो किसका है ये आपको मूवी देखना पड़ेगा जाके। लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि रजनीकांत के इस फिल्म में आपको वशीकरण, चिट्टी और चिट्टी 2.0 रीलोडेड, और उसके अलावा एक और रूप देखने को मिलेगा। लेकिन वो रूप देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा थिएटर्स में और ये मूवी देखनी पड़ेगी। सो आई वुड लाइक टू गिव दिस मूवी 4 स्टार्स।